स्वाद में कड़वी लगने वाली मेथी या मेथी दाने पुरुषों के लिए वरदान साबित हो सकते हैं। तो आइए देखेंगे आज यौन क्षमता बढ़ाने के लिए मेथी दानों का कैसा इलाज कर सकते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में पिछले 41 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं खुद बचपन में मेथी नहीं खाता था। मेथी यानी कड़वी, मेथी सब्जी बोले तो बिल्कुल मैं तो देखूंगा भी नहीं। मगर जैसे मेथी के फायदे मैंने देखे कि मेथी कितनी काम की है, मेथी कितनी गुणकारी है, तो फिर मैंने वो खाना चालू किया। अभी मैं कभी होटल में जाता हूँ ना, तो मैं बोलता हूँ नहीं, मेथी लहसुनी मेथी बुलाओ या मेथी पराठा बुलाओ, या घर में भी मेथी पराठा मैं मतलब बहुत चाव से खाते रहता हूँ। कि मालूम है कि मेथी से बहुत फ़ायदे होते हैं। तो आइए देखते हैं कि मेथी से क्या फ़ायदे होते हैं हमारे शरीर को, और मेथी दाना हम लेते हैं तो उससे क्या क्या चमत्कार हमारे शरीर में हो सकता है। मेथी में होते हैं कोलीन, विटामिन ए, बी विटामिन्स, फिर विटामिन सी, मैग्नीशियम, नायासिन, कैल्शियम, आयरन, फाइबर, कभी सारे विटामिन्स और मिनरल्स इसमें होते हैं। तो इसके साथ साथ मेथी में होते हैं एरोमेटोज। एरोमेटिक्स का काम क्या है? एरोमेटिक्स जो है वो टेस्टोस्टेरोन को मेटाबोलाइज करता है। अब एरोमेटिक्स को कम करने का काम मेथी करती है। अब एरोमेटिक्स को कम कर दिया तो टेस्टोस्टेरोन की लेवल बढ़ जाएगी, और टेस्टोस्टेरोन की लेवल बढ़ती है तो फिर नेचुरली सेक्स की पावर बढ़ेगी, सेक्स की इच्छा बढ़ेगी, सेक्स की ड्राइव बढ़ेगी। एक स्टडी में ऐसा पाया गया है कि मेथी से 12% टेस्टोस्टेरोन की लेवल बढ़ जाती है एक स्टडी में। मेथी में ऑल्सो मेथी में और क्या रहता है? प्रोटोडायोसिन रहता है। मेथी में जो प्रोटोडायोसिन रहता है उससे टेस्टोस्टेरोन की लेवल बढ़ जाती है। और एक दूसरे स्टडी में यह पाया गया कि 46% से टेस्टोस्टेरोन की लेवल बढ़ गई 90% लोगों में। देखिए मतलब टेस्टोस्टेरोन के ऊपर मेथी कितना फायदेमंद है। मेथी में और एक घटक है, वो है फ्यूरोस्टेनोलिक सेपोनिन। अब ये क्या करता है? फ्यूरोस्टेनोलिक सेपोनिन ये करता है टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन, और टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन जब करता है तो नेचुरली सेक्स की इच्छा, सेक्स ड्राइव ये बढ़ जाते हैं। सेक्स में बहुत अच्छा इंटरेस्ट आता है, रुचि आती है, स्टेमिना बढ़ जाता है, स्पर्म काउंट बढ़ता है, सीमेन की क्वांटिटी मतलब धातु की क्वांटिटी जो है मात्रा वो बढ़ जाती है, और मॉर्निंग इरेक्शंस जो है सुबह सुबह इरेक्शन जो आने वाले रहते हैं वो बढ़ जाते हैं। मेथी खाने से महिलाओं में भी सेक्स स्टेमिना बढ़ा हुआ है, और महिलाओं में भी सेक्स की इच्छा बढ़ी हुई अलग अलग स्टडीज में दिखाई दी है। क्योंकि मेथी जो है मतलब फेनुग्रिक जो बोलते हैं इंग्लिश में उसको, फेनुग्रिक ये इस्ट्रोजन लेवल्स बढ़ाती है। फेनुग्रिक में मेथी में एंटीऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज है, तो इससे क्या होता है, इससे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम हो जाता है और हमारी प्रतिकार शक्ति बढ़ जाती है। तो ये बहुत अच्छा फायदा है कि हमको बीमारियाँ कम होंगी। वैसे मेथी से पेनफुल मेंस्ट्रुएशन जो है, औरतों की महामारी जो है यदि वो दर्द वाली होती है तो वो दर्द कम हो सकता है। मेथी में जो मेथी दानों में जो फाइबर होते हैं ज़्यादा, तो फाइबर ज़्यादा होने से क्या होता है कि पेट साफ होता है, फाइबर ज़्यादा होने से भूख कम लगती है, क्रेविंग जो है खाना खाने की वो कम हो जाती है, और नेचुरली वजन कम करने में इसका फायदा होता है। फेनुग्रीक में फाइबर ज़्यादा है और उससे शुगर लेवल कम करने में बहुत मदद होती है, और डायबिटीज़ में स्पेशली शुगर लेवल कम हो जाती है, और इंसुलिन लेवल को स्टिमुलेट करने से भी शुगर लेवल कम हो जाती है। तो डायबिटीज़ के लोग यदि मतलब मधुमेह या शक्कर वाले जो पेशेंट है, मरीज़ है, उन्होंने यदि मेथी लिया तो उनकी दवा जो ले रहे हैं डायबिटीज़ के लिए वो कम हो जाएंगी, और जिस दिन वो मेथी खाते हैं ना उन्हें डेफिनेटली कम दवा लेना है, नहीं तो शुगर एकदम ड्रॉप हो जाएगी। मेथी में और एक फ़ायदा है कि एंटी कोएगुलेंट प्रॉपर्टी है, और कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करती है। इससे क्या हो गया कि इससे हार्ट अटैक्स की उसके जो इंसिडेंट्स है वो कम हो गए, हार्ट अटैक्स और स्ट्रोक्स कम हो गए जो लोग मेथी लेते हैं। तो मेथी जो है वो बहुत गर्म वाली मतलब गर्म चीज़ है। अब गर्म चीज़ होने से क्या होता है कि मेथी गर्म जब है तो वो कफ दोष जो है, आयुर्वेदा में बोला है कफ दोष हमको है, तो कफ दोष कम करने में बहुत फायदेमंद है। तो इतने सारे फायदे जब मेथी के है तो आप पूछेंगे कि भाई लेना कैसा। देखो जैसा मैंने पहले शुरू में बताया कि मैं लहसुनी मेथी की सब्जी बिल्कुल मैं जाता हूँ ना, और हमारे यहाँ होटल्स में
कुछ ऐसे होटल्स है कि लहसुन मेथी या मेथी और लहसुन की सब्जी बहुत बढ़िया बनाते हैं, तो मैं तो बिल्कुल लेता हूँ और वो पूरी सब्जी मैं अकेले खा लूँगा। मेथी पराठा है, फिर मेथी पनीर है, वो सब्जी जो है वो हम खाते हैं। फिर उसके साथ साथ मेथी मलाई मटर, वो सब्जी हम बुलाते हैं, मतलब उसमें भी आप अच्छी खा सकते हैं। मेथी ठेपले है, मेथी लाड़ू है, ऐसे अलग अलग मेथी मेथी के लड्डू बनाते हैं, और मेथी सब्जी, मेथी पराठा, मेथी करीज, ऐसे अलग अलग मेथी के आइटम्स बनाते हैं। और ये तो हो गए खाने के। अब रोज़ कैसा लेना है ताकि हमारी सिक्स पावर बढ़ेंगी, दवाइयाँ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगी, तो उसके लिए हमने क्या करना है मेथी के लिए, कि हमने 1 से 2 चम्मच मेथी के सीड्स, मेथी के दाने जो है वो अंदाजे 1 पाव पानी में उबालना है, और अच्छा पानी उसको बॉईल कर लेने का है। 1-2 चम्मच मेथी के दाने 200 से 250 ml वाटर में, पानी में अच्छे उबालना है, पानी ठंडा करना है, और वो चाय जो बनेंगी उसकी वो एन्जॉय करना है। ये 12 हफ्ते यदि आप लेते हैं तो डेफिनेटली आपको तुरंत, मतलब 12 हफ्ते में आपको तुरंत दिखेगा कि अपने सेक्स लाइफ में फ़र्क पड़ा है, सेक्स ड्राइव में फ़र्क पड़ा है, डायबिटीज़ कम हो चुका है, इम्यूनिटी बढ़ी हुई है, शुगर लेवल नेचुरली कम है, वजन कम हो चुका है, इतने सारे फायदे आपको दिखेंगे। मेथी के कैप्सूल्स भी मिलते हैं, 580 मिलीग्राम से लेके 610 मिलीग्राम के मेथी कैप्सूल्स आते हैं रेडीमेड, कोई कंपनियाँ बनाती है। 3 से 4 कैप्सूल यदि आप रोज़ लेते हैं 8 हफ्ते तक, तो उसका भी फ़ायदा आपको दिखाई देगा। एक स्टडी में ऐसा पाया गया है कि 600 मिलीग्राम मेथी पाउडर यदि आप लेते हैं रोज, 600 मिलीग्राम मेथी पाउडर रोज यदि आप लेते हैं तो मॉर्निंग इरेक्शंस के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। इसका मतलब ये है कि टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाती है। रूटीनली लोग जो सब्जी खाते हैं, मेथी की सब्जी, मतलब मेथी के पत्ते बुला के मेथी की सब्जी लेते हैं, तो उसका क्या होता है कि कुछ कुछ लोगों को वो कड़वी अच्छी लगती नहीं है, तो उसका पानी निकाल देते हैं और पानी निकाल के फिर सब्जी बनाएंगे। मगर क्या होता है कि एक बार वो आपने उबाल के पानी निकाल लिया तो उसमें तो अर्क है एक्चुअली मेथी का, तो ऐसा पानी उबाल के निकालना नहीं है। थोड़ी कड़वी भी रहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेथी आपको खाने का है। और मेथी अर्थात फेनुग्रीक यदि आप खाते हैं तो डेफिनेटली आपका सेक्स लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। सभी पुरुष जो है वो अपना सेक्स लाइफ एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि स्टेमिना बढ़ाने में और कठोरता टिकाने में ये बहुत फायदेमंद है। उसके साथ साथ मॉर्निंग इरेक्शंस फायदेमंद, मतलब जिनको रात में सोने के समय इरेक्शंस नहीं आते हैं, वो यदि मॉर्निंग इरेक्शंस आते हैं और वो तब करते हैं सेक्स, तो उसमें बहुत उनको फायदा हो जाएगा। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो। और वैसा आप यदि वो 12 हफ्ते तक लेते हैं, मतलब करीब करीब 4 महीने तक, तो आपको बिना दवाई का सेक्स लाइफ में बहुत अच्छा फायदा मिलेगा, और वो आप जरूर शेयर करेंगे ऐसा मैं विश्वास रखता हूँ। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और आप अपना ख्याल रखो, अपने परिवार का ख्याल रखो, क्योंकि आप बहुत बहुमूल्य हो। थैंक यू वेरी मच।